ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, 30 मार्च 2023 रामनवमी पर बन रहा है अद्भुत और खास संयोग। 500 साल बाद कई राशि वालों की चमक उठेगी किस्मत, जिंदगी में होगा बम्पर लाभ। जी हाँ मित्रों, खुशखबरी, मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 30 मार्च 2023 के दिन रामनवमी पर 500 साल बाद दोस्तों 5 राशियों में एक ऐसा अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। 4 विशेष योग बन रहे हैं जिसके कारण दोस्तों उनकी किस्मत एकदम से जबरदस्त रूप से बदलने जा रही है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में अपन जानते हैं कि रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, और साथ ही रामनवमी के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है, भाग्य उदय होने जा रहा है, जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त होगी। दोस्तों पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज ये वीडियो जो है ना वो सभी फेसबुक चलाने वालों के ग्रुप में पहुंच जाना चाहिए। प्रभु श्री राम की पूजा विधि और कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनकी दोस्तों रामनवमी के तुरंत बाद किस्मत चमकने जा रही है, पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। आपको बता दें मित्रों कि 22 मार्च 2023 के दिन चैत्र नवरात्रि शुरू हुई थी, जो कि 30 मार्च 2023 यानी कि गुरुवार के दिन समाप्त हो रही है। चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है और इसी के साथ नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं ना, तो नवमी से ही व्रत का पारण कर लिया जाता है। दोस्तों कि आपको पता है इस बार रामनवमी पर ग्रह और नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। 500 साल के इतिहास में दोस्तों पहली बार ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसके कारण कई राशियों की किस्मत चमकने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार रामनवमी पर गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग जैसे 4 शुभ संयोग एक साथ एक ही भाव में है। और इसके अलावा भगवान चंद्रदेव कर्क राशि में विराजमान है और रामनवमी के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। चलिए जानते हैं भगवान श्री राम की पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते है ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गो माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भले आदमी खाने के लिए कुछ दे देते हैं तो कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। दोस्तों जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये गो माता उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात यही गो माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार रामनवमी के दिन जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह पर घुमाकर जहां कहीं भी गो माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर गो माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, भरपेट भोजन करवाया जाएगा। और मित्रों हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए जो भी मित्रों आप गो माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी 1, 2, 5, 10, 11 गो माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और मित्रों जीवन में सबसे बड़ा दान जो है ना वो किसी भूखे को भोजन करवाना है, चाहे कोई इंसान हो या जानवर हो। चलिए जानते हैं दोस्तों रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। मित्रों 30 मार्च 2023 को रामनवमी पूजा का जो मध्यान्ह का मुहूर्त है ना, वो सुबह 11:11 से शुरू हो रहा है, जो कि दोपहर 1:40 तक रहेगा। और ये जो मुहूर्त है वो सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसमें दोस्तों आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विधि विधान के साथ अगर पूजा अर्चना करेंगे ना, तो जीवन में आ रही तमाम परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं रामनवमी पर भगवान श्री राम की पूजा की विधि के बारे में। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए। आज देखते हैं मित्रों भगवान श्री राम के लिए कौन कौन तैयार रहता है वीडियो को शेयर करने के लिए। चलिए मित्रों रामनवमी के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है, यानी कि सूर्योदय से पहले ही उठना है और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लेना है, नहा लेना है। और नहाने के बाद मित्रों साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने, गंदे या मलिन वस्त्र जो है ना रामनवमी के दिन नहीं पहने। और इसके बाद एक हाथ में जल लेकर प्रभु श्री राम की पूजा का संकल्प जरूर लें।
उसके बाद दोस्तों जैसे ही सूर्योदय हो, सूर्योदय के समय दोस्तों रामनवमी के दिन रवि पुष्य योग भी बन रहा है और इसके लिए आपको सबसे ज्यादा फायदा इसमें मिलेगा कि आपको सूर्योदय के समय रामनवमी के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य दे, उनको जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आपका जहां कहीं भी भगवान श्री राम की पूजा करने का हो, पूजा स्थान पर जाकर उसकी साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर उसको पवित्र जरूर करें। फिर पूजा कक्ष में भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर या फ्रेम वगैरह कुछ भी रखें और भगवान राम को भोग में मिठाई का प्रसाद और फल चढ़ाएं। फिर भगवान श्री राम की तस्वीर पर केसर के दूध से उनको अभिषेक करें, उनको दूध अर्पित करें और इसके बाद भगवान राम को फूल, माला, चंदन और अक्षत आदि चढ़ा दें, मिठाई का भोग लगाएं और दोस्तों उसके बाद आपको घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत तरीके से श्री राम चालीसा या फिर रामचरितमानस का पाठ करें। आप चाहे तो इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं और अंत में भगवान श्री राम की आरती उतार कर जो भी भूल चूक हुई ना पूजा में उसके लिए प्रभु श्री राम से माफी जरूर मांगे। और अंत में मित्रों भगवान श्री राम के साथ ही मैया सीता और श्री राम भक्त हनुमान जी यानी कि बजरंग बली की भी आराधना करें, उनका भी स्मरण करें। अच्छा एक मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्री नमः। इस मंत्र का 108 बार रामनवमी के दिन जाप जरूर करें। फिर देखिए मित्रों प्रभु श्री राम का चमत्कार, प्रभु श्री राम जो है ना वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट में कण कण में वास करते हैं। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि भगवान श्री राम जी की जो जन्मभूमि है ना वो अयोध्या है और अयोध्या में रामनवमी समारोह जो है ना वो विशेष रूप से मनाया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाने के बाद भक्त जो है वो जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए राम मंदिर जरूर आते हैं। और रामनवमी के दिन आप दान पुण्य जरूर कीजिए, जिसमें केवल अन्न दान तो स्पेशली होना ही चाहिए, किसी भूखे को भोजन करवाएं, किसी जानवर को ही करवाएं, किसी इंसान को करवाएं, जो भी उपलब्धता आपके लिए बन रही हो ना वो प्रभु श्री राम के जन्मदिन के अवसर पर दान जरूर कीजिए। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों कि रामनवमी के बाद आखिर कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। तो सबसे पहली राशि के बारे में अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे आपको जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और उसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हां मित्रों कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। अगर आपकी कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, बिजनेस में तरक्की नहीं मिल रही है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है, अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं लेकिन कहीं पर भी आपका रिश्ता नहीं बन पा रहा है, अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए मित्रों जानते हैं कि रामनवमी के बाद जो सबसे पहली और भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना वो आती है वृषभ राशि। जी हाँ मित्रों जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए रामनवमी बहुत ही शुभ योग बन रहा है। जिनकी भी वृषभ राशि है उन सभी लोगों को भाग्य का सहयोग मिलेगा और वृषभ राशि वाले लोगों को आर्थिक लाभ होगा, धन से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण काम संपन्न हो सकता है, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है और व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो इस साल रामनवमी के बाद आपके व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की होगी। और वहीं अगर आप किसी और के यहाँ पर नौकरी करते हैं ना तो नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके करियर में ग्रोथ होगी। चलिए अगली भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है तुला राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों तुला राशि वालों के लिए भी रामनवमी यानी कि 30 मार्च का जो बाद का समय है ना वो बहुत ही अच्छा और उत्तम होगा। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास भरपूर रूप से बढ़ेगा
और रामनवमी के बाद आपको कोई भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, जीवन में खुशहाली रहेगी। प्रभु श्री राम की कृपा से तुला राशि वालों को जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। साल 2023 में आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना, वो स्पेशली बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी। चलिए अगली भाग्यशाली राशि की बात करें तो आती है सिंह राशि। दोस्तों सिंह राशि वालों के लिए 30 मार्च यानी कि रामनवमी के बाद का समय आर्थिक स्तर पर बड़ी राहत पहुंचाएगा। आपको पुराने कर्जे से मुक्ति मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, पैसे आने के नए नए रास्ते खुलेंगे और परेशानियां जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा और रामनवमी के बाद का जो जीवन है ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और करियर में तरक्की बरा रहेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों